মণিপুর নিয়ে ত্রিপুরা ছাত্রছাত্রীদের আতঙ্কিত হবার কোনো কারণ নেই। গতকাল সম্ভব না হলেও কিছুক্ষণ আগে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা হয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার। গত 24 ঘন্টায় মণিপুর ইস্যুতে ত্রিপুরা সরকারের অবস্থান কি তা জানতে চেয়ে অজস্র ফোন আমাদের কাছে এসেছিল। একদিন দেরিতে হলেও এবারে এসেছে খোদ মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ত্রিপুরার প্রায় 150 জন পড়ুয়া মতো মণিপুরে নিরাপদ আছেন। রাতে শুট অ্যাট সাইটের আদেশ ছিল মণিপুরে, অর্থাৎ ঘরের বাইরে কাউকে দেখলেই গুলির নির্দেশ দিয়েছেন মণিপুরের রাজ্যপাল। এই অবস্থায় ত্রিপুরার মুখ্য সচিব, ত্রিপুরার ডিজিপি নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে মণিপুরের সাথে। অযথা প্যানিক না হবার অনুরোধ জানানো হয়েছে সাধারণ প্রশাসনের তরফে। काल से मैं कोशिश कर रहा हूँ। सीएम साहब को मैंने, मणिपुर का सीएम को मैंने फोन किया था, उठाया नहीं। शायद बिजी रहेंगे, बिजी होंगे। फिर रात में भी कोशिश किया, सवेरे भी कोशिश किया मैंने, लेकिन हमारा जो सीएस साहब है, हमारा उसका डीजी साहब को मैंने बता दिया, वहाँ अधिकारी से बात करें। और वहाँ जो हमारा स्टूडेंट्स है, करीब करीब 150 है, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज और एग्रीकल्चर, इस तरह। और 24x7 एक हेल्पलाइन भी खुले, मैं खुद भी वहाँ, हमारा एक त्रिपुरा का ही एक डॉक्टर है वहाँ, तो वहाँ फैकल्टी है, उनसे मैंने बात किया और उन्होंने सब, मैंने कहा सब उनका नंबर दो, वो भी कलेक्ट करके स्टूडेंट्स यूनियन जो है हमारा त्रिपुरा का, ये इन लोगों का नाम मुझे बताया गया है। और मैं इन लोगों के साथ बात भी कर रहा हूँ, कैसे क्या है, क्या सिचुएशन है। तो लेकिन ये लोग अभी सीआरपीएफ के थ्रू जो खबर मिला है, हमारा डीजी साहब ने कहा इन लोग वहां पर हॉस्टल में ही है और सेफ में है। तो आज सवेरे देखेंगे शूट एट साइट। कल रात भर उन्होंने कहा, रात भर बोल दिया, रात में वो शूट एट साइट था, दिन में हो सकता है कम हो, तो उस हिसाब से उनको सेफ साइट में ले आएंगे और उनको नजरदारी उनके पास है। तो ये जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए। और लेकिन हमारा तरफ से उन्होंने कहा कि हम जल्दीबाजी नहीं करेंगे और उनको इवैक्यूएशन का सवाल हो तो वो भी हम लोग करेंगे। जो भी सिचुएशन है मॉनिटर कर रहे हैं। अभी हो सकता है गवर्नर साहब से भी मैं बात करूं, अभी सीएस साहब को मैंने कहा, अभी जाके हम लोग फिर बैठेंगे, बैठ के हम लोग बात करेंगे। सर, हेल्पलाइन नंबर में अभी तक किसी ने कॉन्टेक्ट किया है क्या? अभी बहुत सारे आ गए हैं यहाँ पर, बहुत सारे वहाँ, क्योंकि 24 वहाँ हमारा जो ये सीआरपीएफ का लोग भी उसमें थे, हमारा पुलिस विभाग भी थे, आधिकारिक थे, उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट का वहाँ भी लोग थे। तो ये लोग पूरा मॉनिटर कर रहे हैं, उन लोगों से बात कर रहे हैं। ये मणिपुर गवर्नमेंट और हमारा, आज पेपर में, न्यूज़पेपर में मैंने देखा ऑलरेडी, हमारा माननीय गृहमंत्री जी से भी बात हो चुका है। तो जरूर उसमें जो भी करना है वो तो करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से मणिपुर का सिचुएशन धीरे धीरे ठीक होना चाहिए। अवस्था स्वाभाविक होते এরপরেও ত্রিপুরা ছাত্রছাত্রীদের মণিপুর থেকে বের করে আনার দরকার হলে সেটাই করা হবে বলে জানিয়েছেন মানিক সাহা। যদিও মেঘালয় সহ একাধিক রাজ্য তাদের রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের মণিপুর থেকে বের করে নিয়েছেন গতকাল রাতে। ব্যুরো রিপোর্ট, ইন্ডিপেন্ডেন্ট।